नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो टाइल स्पेसर कैसे लगाते हैं और उसमें ग्राउट कैसे भरते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 3264 साइज है इस टाइल का, तो इस तरह से हम यहाँ पे स्पेसर लगा के टाइल्स फिटिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 4 mm का स्पेसर लगा रहे हैं। और स्पेसर क्यों लगाते हैं, तो टाइल्स में आजकल मतलब बड़ा टाइल रहेगा 2x4, नहीं तो 4x6, 4x8 फिट का टाइल रहेगा, तो उसमें हल्का सा बेंड आता है टाइल में, तो स्पेसर डालने से ये बेंड नहीं दिखेगा और ग्राउटिंग करने के बाद ये एक ब्यूटीफुल लुक आता है टाइल्स के लिए। एक्सपांशन को भी अवॉइड करता है टाइल स्पेसर, और एक आध टाइल ब्रेक भी हो गई तो हम उसको इजीली रिप्लेस भी कर सकते। तो स्पेसर कैसा रहता है देखेंगे। तो दोस्तों, ये इसी तरह का स्पेसर होता है। ये लाइट वेट प्लास्टिक का बना हुआ व्हाइट कलर में आता है। तो ये 4 mm का स्पेसर है, ये ऐसा 4 mm रहता है, या ऐसा कम रहेगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ये टाइल में कोने में ऐसा बैठेगा, मतलब चारों कोने में, और बाद में यहाँ पे ये ऐसा रहता है, मतलब ये खड़ा ऐसा जाएगा। और इसमें 2 mm से लेकर 10 mm तक स्पेसर रहता है। अगर 2x4 का टाइल रहेगा तो 2 mm 3 mm चलता है, और अगर उससे बड़ा टाइल होगा मतलब 4x8 तो 4 mm यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस तरह से टाइल स्पेसर इस्तेमाल करके ये टाइल ऐसा दिखता है। ये देखिए, एक कंटिन्यू लाइन स्कर्टिंग तक जाएगी, मतलब स्कर्टिंग में भी स्पेसर लगाना है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये इपॉक्सी ग्राउट भरने का काम चालू है। तो इपॉक्सी ग्राउट में ये हार्डनर और रेसिन आता है, तो 2 कप रेसिन लिया तो 1 हार्डनर लेना है। रेसिन लिक्विड में आता है, यहाँ पे हमारा सेमी लिक्विड में है। तो इस मिक्सचर को कम से कम 1 मिनट तक, 1-2 मिनट तक मिक्स करना है अच्छे से। तो प्रॉपरली मिक्स होने के बाद ही ये इफेक्टिव होगा। तो ये इपॉक्सी ग्राउट, इसमें बहुत कलर आते हैं, मतलब 30-40 कलर आते हैं इसमें। तो टाइल्स के हिसाब से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे व्हाइट टाइल में ग्रे शेड है, तो हमने यहाँ पे ग्रे ग्रे कलर लिया है। तो ये इपॉक्सी ग्राउट भरने से पहले टाइल्स में जो धूल मिट्टी कचरा है वो सब निकालना पड़ता है, निकाल के पूरा साफ करना है। अगर पानी से एसिड वॉश से साफ कर रहे तो 1 दिन बाद इपॉक्सी भरना है, मतलब ये जॉइंट है वो पूरा सूखा होना चाहिए, गीले में इपॉक्सी ग्राउट अच्छे से नहीं बैठता। और जितना डीप हम लोगों को इपॉक्सी भरना है उतना ही निकाल लेना है। अगर ज़्यादा डीप जॉइंट होगा तो उसमें व्हाइट सीमेंट भर के अगले दिन इपॉक्सी ग्राउट भरना है, मतलब 2-3 mm इपॉक्सी ग्राउट भरेंगे तो भी चल जाता है। तो इस तरह से ये इपॉक्सी ग्राउट भरते, ये देखिए स्कर्टिंग में भी भर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये पतरे से इपॉक्सी ग्राउट भर रहे। तो इपॉक्सी ग्राउट वाटर प्रूफ रहता है, क्रैक भी नहीं आता इपॉक्सी ग्राउट को। खाली इपॉक्सी ग्राउट भरने के बाद उसको आधे घंटे के अंदर साफ करके लेना है, मतलब भरने के बाद आधे घंटे के बाद शैम्पू के पानी से पोछा लगाया तो भी अच्छे से लेवल आता है और टाइल्स पे कहीं पे भी ये दाग धब्बे नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।